प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं फेरा और फेमा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विदेशी मुद्रा बहुत ही सीमित मात्रा में होती थी, इस कारण सरकार देश में इसके आवागमन पर नजर रखती थी। सन 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा का सदुपयोग सुनिश्चित करना था। लेकिन यह कानून देश के विकास में बाधक बन गया था। इस कारण सन 1997-98 के बजट में सरकार ने फेरा 1973 के स्थान पर फेमा मतलब विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम को लाने का प्रस्ताव रखा था। दिसंबर 1999 में संसद के दोनों सदनों द्वारा फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया था। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद जून 1, 2000 को फेमा प्रभाव में आ गया था। फेरा क्या था? फेरा कानून का मुख्य कार्य विदेशी भुगतान पर नियंत्रण लगाना, पूंजी बाजार में काले धन पर नजर रखना, विदेशी मुद्रा के आयात और निर्यात पर नजर रखना था और विदेशियों द्वारा अचल संपत्तियों की खरीद को नियंत्रित करना था। इस कानून को देश में तब लागू किया गया था जब देश का विदेशी पूंजी भंडार बहुत ही खराब हालत में था। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के संरक्षण और अर्थव्यवस्था के विकास में उसका सही उपयोग करना था। फेमा क्या है? फेमा का महत्वपूर्ण लक्ष्य विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी कानूनों का संशोधन और एकीकरण करना है। इसके अलावा फेमा का लक्ष्य देश में विदेशी भुगतान एवं व्यापार और इसी के साथ विदेशी पूंजी एवं निवेश को देश में बढ़ावा देना है, ताकि औद्योगिक विकास और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। फेमा भारत में विदेशी मुद्रा के रखरखाव और सुधार को प्रोत्साहित करता है। फेमा भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। वह भारत के बाहर संपत्ति को खरीद सकता है, मालिक बन सकता है और उसका मालिकाना हक भी किसी और को दे सकता है। फेमा और फेरा में अंतर। इसे संसद ने 1973 में मंजूरी दी थी। इसे संसद ने 1999 में मंजूरी दी थी। यह वर्तमान में लागू नहीं है। यह वर्तमान में लागू है। इसमें अनुभागों मतलब सेक्शंस की संख्या 81 है। इसमें अनुभागों की संख्या 49 है। इसे भारत में विदेशी भुगतानों पर नियंत्रण लगाने और विदेशी मुद्रा का सदुपयोग करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य विदेशी व्यापार और विदेशी भुगतानों को बढ़ावा देना और देश में विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना है। इसमें भारत का नागरिक उसी व्यक्ति को माना जाता था जो भारत का नागरिक हो। इसमें भारत का नागरिक उस व्यक्ति को मान लिया जाता है जो 6 महीने से भारत में रह रहा हो। इसमें अपराध को क्रिमिनल अपराध की श्रेणी में रखा जाता था। इसमें अपराध को दीवानी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर सीधे सजा का प्रावधान था। इसमें दोषी पाए जाने पर सजा तभी होगी जबकि व्यक्ति नोटिस की तिथि से 90 दिन के भीतर निर्धारित अर्थदंड जमा न करे। इसके तहत मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी दोषी माना जाता था और उसे ही यह साबित करना होता था कि वह दोषी नहीं है। इसमें किसी गुनाह के संबंध में सबूत देने का बोझ आरोपी पर नहीं बल्कि फेमा लागू करने वाले अधिकारी पर होता है।